नमो नमः। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कक्षा सप्तम का प्रथम पाठ सुभाषितानी। तो सुभाषितानी का अर्थ होता है अच्छी बातें। तो इसका मतलब ये है कि आज हम इस पाठ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें, मधुर बातें पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बच्चे, पढ़ते हैं हम इसका प्रथम श्लोक। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलं मन्नं सुभाषितं मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से रत्न हैं? जल, अन्न और अच्छी बातें। प्रथम पंक्ति का अर्थ हुआ बेटा कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी बातें। परंतु मूढ़े होता है मूर्ख लोग। परंतु जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो कौन कौन से हैं? असली रत्न तो हमारी पृथ्वी पर तीन ही हैं और वो हैं जल, अन्न और अच्छी बातें। तो ये था हमारा प्रथम श्लोक। अब हम बढ़ते हैं द्वितीय श्लोक की तरफ। द्वितीय श्लोक है बेटा, सतेन धार्यते पृथ्वी सतेन तप्ते रवि सतेन बाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात पृथ्वी सत्य को धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है या निहित है। तो इसमें सत्य के बारे में बताया गया है द्वितीय श्लोक में कि जो हमारी पृथ्वी है वो सत्य को धारण करती है, सत्य से ही सूर्य देव है वो तपते हैं और सत्य से ही हवा बहती है, वायु बहती है। अतः सब कुछ किस पर स्थित है? सब कुछ जो है वो सत्य पर ही स्थित है। तो आपको भी हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब है हमारा तृतीय श्लोक। तृतीय श्लोक है बच्चे, दाने तपसी शोरे च विज्ञाने विनये नये विस्म्यो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरः। अर्थात दाने का अर्थ हुआ दान में, तपसी का अर्थ हुआ तपस्या में, शौर्य का अर्थ हुआ शौर्य में, बल में, च का अर्थ आपको पता है संस्कृत में च को और अर्थ होता है, विज्ञाने अर्थात विज्ञान में, विनये अर्थात विनम्रता में, नये अर्थात नीति में। अब आइए फर्स्ट पंक्ति का जो अर्थ है ना वो देखते हैं। तो इसमें कहते हैं कि दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। अर्थात जो हमारी पृथ्वी है उस पर अनेक रत्न हैं। अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। अतः दान, तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना जो है वो उचित नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। सद्वीरेव सहासीत सद्वी कुर्वित संगतिम सद्वीर विवादम मैत्रीम च न सद्वी किंचिदाचरेत। अर्थात हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। कैसे लोगों के साथ हमें संगति करनी चाहिए बच्चे? सज्जन अर्थात अच्छे लोगों के साथ हमें संगति करनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही हमें बात भी करना चाहिए। मतलब अगर हम लड़ाई भी करें तो हम सज्जनों के साथ ही करें और अगर हम मित्रता करें तो भी सज्जनों के साथ करें। दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? समझने वाली बात है, क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, अगर हम उनकी संगति में रहेंगे तो अगर हम उनसे वाद भी करते हैं तब भी हमें कुछ ना कुछ उनसे सीखने को ही मिलेगा। जबकि अगर हम दुर्जनों के साथ रहेंगे तो वो अपशब्द बोलेंगे और फिर हम अच्छी बातें नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि संगति जो होती है वो बहुत हद तक बच्चों को बिगाड़ भी देती है और बना भी देती है।
तो बच्चे आपको अच्छे लोगों के साथ ही रहना है, ठीक है? अच्छे लोगों के साथ ही आपको मित्रता करनी है। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च त्यक्ते लज्जा सुखी भवेत। अर्थात धन धान्य प्रयोगेशु, अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेशु विद्या के संग्रह में, आहारे आहार क्या होते हैं, हमारा आहार होता है भोजन, अर्थात भोजन में, व्यवहारे जो हमारा व्यवहार है, हमारे व्यवहार में, त्यक्त लज्जा, लज्जा क्या होती है, शर्म, तो त्यक्त लज्जा जो लज्जा को छोड़ देता है वो व्यक्ति सुखी रहता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि धन धान्य के प्रयोग में, कि आप धन धान्य अगर इकट्ठा करते हो, विद्या के संग्रह में, विद्या आप जितनी ज्यादा ले सकते हो, आहार में, कि खाना खाने में, आप किसी के घर गए हो लेकिन आपको शर्म आती है और आप थोड़ा सा खाना खाते हो, तो किसका नुकसान हुआ, आपका ही नुकसान हुआ। तो इन बातों में जो शर्म को छोड़ देते हैं वो हमेशा ही सुखी रहते हैं। तो आपको भी इन सब चीज़ों में जो है अपनी लज्जा को, शर्म को छोड़ देना है। अब हम बढ़ते हैं इसके अंतिम श्लोक की तरफ। इसमें 6 ही श्लोक हैं बच्चे। अगला श्लोक है, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षम्या किं न साध्यते शांति खड्गः करेयस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके, अर्थात इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। इस संसार में क्षमा जो है, माफी करना जो है, वो सबसे बड़ा वशीकरण है। और क्षमा क्षम्या किम न साध्यते, और क्षमा से क्या साधा नहीं जा सकता है, अर्थात क्षमा से तो हर कार्य संभव है। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना, अर्थात जिस व्यक्ति के हाथ में खड़ग होती है तलवार, तो जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अर्थात हमको कैसे रहना है, हमें शांत रहना है और हमें सबको क्षमा करना है। तो अगर हमारे अंदर ये गुण आ जाते हैं कि हमारे बारे में कोई कुछ भी बोलता है लेकिन फिर भी हम बिल्कुल शांत हैं, तो जो दुर्जन लोग हैं वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो ये तो थे इस पाठ के क्या थे, श्लोक। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पाठ पढ़ा ना, तो हमारे लिए सरल हो जाएगा क्वेश्चन आंसर करना। तो सबसे प्रथम जो क्वेश्चन है वो है, सर्वान् श्लोकान् संस्वरम् गायत्, तो सभी श्लोकों का सस्वर गायन कीजिए। तो ये तो आपको स्वयं करना है कि अच्छे से आपको इनको गाना है। द्वितीय जो प्रश्न है बेटा वो है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेल्यत, श्लोकांशों का सही अंश से मेल कीजिए। तो इसमें क्या है कि आपको श्लोक दिए गए हैं, तो इसमें प्रथम लाइन होती है आपके श्लोक की और अंतिम लाइन होती है, तो बस इसको आपको मिलाना होता है, ठीक है? कि किस तरह से प्रथम का आपको अगली लाइन के साथ इसको आपको मिलान करना है, जैसे आपके मिलान वाले प्रश्न आते हैं तो वो यही है। तो ये प्रश्न भी बहुत सरल है, धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु च हो जाएगा। विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, अभी अभी हमने श्लोक पढ़े हैं ना, तो ये उसी की पहली लाइन है और फिर अगली लाइन है इसमें, सतेन धार्यते पृथ्वी सतेन तप्ते रवि सद्वीर विवादम मैत्रीं च ना सद्वी किंचिदाचरेत आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो अगर आप इसको तो अपनी बुक में भी देखोगे ना, तो आप जो प्रथम श्लोक होगा ना बेटा, आपकी जो बुक है उसकी जो प्रथम लाइन होगी श्लोक की, लास्ट में आपको क्या करना है, उसकी अंतिम लाइन जो है उसको मिला देना है। अब हम बढ़ते हैं इसके तृतीय प्रश्न की तरफ। तो मेरे बच्चे, इसका तीसरा प्रश्न है कि एक पदेन उत्तरत, कि एक पद में, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न है। तो कितने रत्न है पृथ्वी पर, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है पृथ्वी पर 3 रत्न है। तो इसमें देखो आपको क्या बोला गया है कि आपको सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है, तो आपको ये नहीं लिखना है आगे कि 3 रत्न कौन से हैं, आपको सिर्फ त्रीणी लिखना है, ठीक है? पृथ्वीयां कति रत्नानि, आपका उत्तर एक शब्द में होगा त्रीणी।
द्वितीय है मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधेयते। अब जो मूर्ख लोग हैं वो किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं, किसके किसको कहते हैं कि रत्न है ये, तो हमने पढ़ा है पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को, तो इसमें भी एक शब्द का उत्तर हो जाएगा आपका पाषाण खंडेशु। तृतीय है पृथ्वी केन धारेते, पृथ्वी किसे धारण करती है, तो सत्येन, ठीक है, सत्येन पृथ्वी सत्य को धारण करती है। अगला प्रश्न है के संगतिम कुर्वित, कैसी संगति करनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए हमें, तो सद्भी, सद्भी अर्थात सज्जन लोगों के साथ। और अगला प्रश्न है लोके बशीकृति का, लोक में बशीकरण क्या है, तो क्या है क्षमा। अंतिम श्लोक जो हमने पढ़ा ना बच्चे, ये वो ही है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके चौथा जो प्रश्न है वो, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात आपको जो अंडरलाइन इसमें दिए जा रहे हैं, दिख रहा है शब्द, उसको आपको, मतलब इसमें ऐसे होता है बच्चा कि आपको क्या दिया गया होता है, इसमें ना आपको आंसर दिया गया होता है, ठीक है, और आपको इसका क्या करना होता है, आपको इसका प्रश्न बनाना होता है, ठीक है। बहुत बार मैंने आपको पहले भी समझाया था सिक्स क्लास में भी, तो सेम ये वैसे ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको आंसर दिए गए हैं लेकिन इसे आपको क्या करना है, इसका प्रश्न बनाना है, लेकिन प्रश्न बनाना है किसमें, संस्कृत में, ठीक है। तो सबसे पहले है सतेन भाति वायु, ठीक है, तो सतेन भाति वायु, तो इसका हम प्रश्न बनाएंगे क्या हो जाएगा, केन भाति वायु, ठीक है, कि सतेन भाति वायु, सत्य के द्वारा वायु बहती है, तो अगर हम इसका क्वेश्चन इसका बनाएंगे तो हम क्वेश्चन क्या होगा हमारा, किसके द्वारा वायु बहती है, तो किसके के लिए यहाँ पे शब्द प्रयोग होगा बेटा, केन, ठीक है, तो पहले में आ जाएगा केन। द्वितीय है सद्भी एव सहासीत, कि जो अच्छे लोग हैं सज्जनों के साथ मैत्री करनी चाहिए, तो भाई सीधी सी बात है इसका प्रश्न आ जाएगा, कैसे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए, तो कैसे लोगों के साथ करनी चाहिए, सद्भी, तो आ जाएगा इसका क्वेश्चन के, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना सा शब्द यहाँ पे लिख देना है। अगला प्रश्न है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, कि जो पृथ्वी है वो बहुत से रत्नों से भरी हुई है, तो क्वेश्चन क्या होगा, क्या बहुरत्नों, क्या है जो बहुत से रत्नों से भरी हुई है, तो क्या है वसुंधरा, तो इसमें वसुंधरा की जगह पे स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा का बहुरत्ना भवती। अगला है विद्याया संग्रहेशु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, कि जो विद्या के संग्रह में शर्म को छोड़ देता है वो सुखी रहता है, तो फिर क्या क्वेश्चन होगा कि किसमें, है ना, कि किसमें, किसके संग्रह में जो है वो लज्जा छोड़ देते हैं तो सुखी रहते हैं, तो इसमें आ जाएगा कस्या, हमेशा याद रखना विद्याया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्या, ठीक है। अगला है सद्वी मैत्रीम कुर्वित, सज्जनों के साथ मैत्री करनी चाहिए, तो प्रश्न क्या बनेगा, किसके साथ मैत्री करनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ मैत्री करनी चाहिए, तो इसमें आ जाएगा सद्वी किम कुर्वित, ठीक है बच्चा, इसमें आ जाएगा हमारा किम। तो इसी तरह से ये प्रश्न किया जाता है कि आपको आंसर दिए गए होते हैं और आपको बनाना होता है इसका प्रश्न, तो सोच समझ के आपको इस प्रश्न को करना होता है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है वो है कुत्रह विस्मयः न कर्तव्यः। अब पहले जो आपको प्रश्न नंबर दूसरा था उसमें तो आपको एक शब्द में उत्तर लिखने थे, लेकिन इसमें आपको विस्तृत रूप से उत्तर लिखने हैं, तो आप कैसे लिखोगे, कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, तो इसका उत्तर होगा बहुरत्ना वसुंधरा इति विस्मयः न कर्तव्यः, अर्थात हमारी पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं, इसमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। द्वितीय प्रश्न है पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि कानि, पृथ्वी पर तीन रत्न कौन कौन से हैं, तो अब आपको ऐसे नहीं लिखना है कि त्रीणी पहले हमने लिखा था, अब आपको उसके नाम लिखने हैं, तो इसका उत्तर होगा बच्चे पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि जलम मन्नम सुभाषितम संति, कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं जल अन्न और सुभाषितम, ठीक है। अब तृतीय प्रश्न है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, कि जो शर्म को छोड़ देता है वो कहाँ पर सुखी रहता है, तो कहाँ पर सुखी रहता है, इसका उत्तर होगा
त्यक्त लज्जा आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। तो ये हो गए इसके विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न उत्तर। अब है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है मंजुषाता पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। तो इसमें बच्चे आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग जो है कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको इसमें बताना है कि कौन से शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसक लिंग है। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द हैं बच्चे वो हैं सतेन, रवि और अन्नम। स्त्रीलिंग हो जाएगा वसुंधरा, पृथ्वी और वहीना। अगला है नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग हो जाएगा रत्नानी, सुखी और संगतिम। तो इस तरह से ये वाला जो प्रश्न है वो होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है कि अधोलिखितेषु धात्वा के संति, कि आपको इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं भाई, शब्द इन आपको इसकी धातु बतानी है कौन सी धातु है। तो क्रोति में कौन सी होती है धातु, क्री धातु। पश्य में दृष्ट धातु, भवेत में भू धातु और तिष्ठति का अर्थ होता है स्थिता, ठहरना, तो उसमें होती है स्था धातु। तो उम्मीद है कि आपको बच्चे ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी श्लोक में और किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।